आज मैं दुबई मॉल जा रही हूँ, तो चलिए आपको भी मैं दुबई मॉल दिखाती हूँ। अस्सलामु अलैकुम, पीस बी अपॉन यू। आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, वेलकम है शारजा में। जैसा कि आपको सबको पता है कि समर वेकेशन चल रहा है और बच्चे तो घूमने गए ही हैं, मैं भी आ गई हूँ शारजा घूमने के लिए और आज मैं जा रही हूँ दुबई मॉल। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि दुबई मॉल में ऐसा क्या है और जो भी मुझे कुछ इंटरेस्टिंग दिखेगा मैं ज़रूर आप तक पहुँचाऊँगी। वेलकम है आप सभी का शारजा में। आज मैं सैर पर निकल पड़ी हूँ द दुबई मॉल। मॉल से ही समझ में आ गया होगा कि शॉपिंग की जगह है ये, और खास कर द दुबई एक्वेरियम एंड अंडर वाटर जू, बुर्ज खलीफा, आइस स्केटिंग, द दुबई फाउंटेन और बहुत कुछ है देखने के लिए। आप कह सकते हैं कि द दुबई मॉल दुबई का दिल है। हर साल यहाँ 100 मिलियन विजिटर्स आते हैं दुनिया भर से। द दुबई मॉल में 1200 रिटेल आउटलेट्स हैं, एक से बढ़कर एक रेस्टोरेंट्स हैं। हम कह सकते हैं कि द दुबई मॉल में क्या नहीं है, सब कुछ है यहाँ। द दुबई मॉल में आ चुकी हूँ और आपको यहाँ का व्यू दिखा रही हूँ। ये पानी के फुव्वारे मुझे बहुत अच्छा लगा, एक अलग सा एक्सपीरियंस है ये। ये व्यू नेचुरल लग रहा है कि लोग झरने के नीचे जैसे स्विमिंग कर रहे हों, बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर आपको दुबई मॉल का व्यू दिखा रही हूँ। देखिए हर चीज़ कितने करीने से अरेंज किया हुआ है, शॉपिंग के लिए बेस्ट जगह है, एक से बढ़कर एक चीज़ें मिल जाएंगी आपको यहाँ पर। ये ट्रेन आ रही है जो बच्चों को बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, यकीनन आपको भी अच्छा लग रहा होगा। जिस तरह से मन्हा, अनम, आबिश को ये ट्रेन बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, वैसे आपके बच्चे भी जब देखेंगे ये ट्रेन को तो उनको भी लगेगा कि मैं द दुबई मॉल ज़रूर विज़िट करूँ। द दुबई एक्वेरियम दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर एक्वेरियम है, इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सारी रिकॉर्ड्स लिखे हुए नज़र आ रहे हैं ना आपको, कि क्या क्या रिकॉर्ड बनाया है द दुबई एक्वेरियम ने। तो ये सब बहुत एक खूबसूरत लगता है देखने में। जैसे ये एक्वेरियम को देखकर मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बस मैं देखती रही। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर एक से बढ़कर एक रेस्टोरेंट है। देखिए शेक शैक रेस्टोरेंट, बच्चे पिक्स क्लिक करा रहे हैं। दुबई में परफ्यूम का तो बहार है, दुबई में परफ्यूम का बहार है, पूछो मत, एक से बढ़कर एक परफ्यूम है और इतनी अच्छी खुशबू चारों तरफ है कि बता नहीं सकती हूँ। यहाँ के शॉप्स का व्यू दिखा रही हूँ मैं, सारे फ्लोर्स का व्यू दिखा रही हूँ। ना जाने कितने फ्लोर्स हैं, मैंने गिना नहीं कि कितने फ्लोर्स हैं यहाँ पर, मगर मैं चढ़ती गई और बहुत सारी फ्लोर्स हैं, एक से बढ़कर एक ब्रांड है यहाँ पर। शॉपिंग के लिए बेस्ट जगह है। यहाँ पर आप देख रहे हैं रियल डायनासोर की रियल स्ट्रक्चर रखी गई है, रियल डायनासोर की हड्डी है जो आप देख सकते हैं। मैं घूम घूम कर आपको यहाँ के व्यू दिखा रही हूँ कि आपको भी यहाँ समझ में आए कि द दुबई मॉल ज़रूर घूमा जाए। जब दुबई आए तो दुबई मॉल को ज़रूर एक बार विज़िट करें। यहाँ पर बच्चों के लिए भी एक से बढ़कर एक चीज़ें हैं, खाने पीने के लिए लॉलीपॉप सब कुछ जो बच्चे देखे, इतने बड़े बड़े लॉलीपॉप पे अट्रैक्ट कर रहे हैं बच्चों को। आइस स्केटिंग है जो बहुत ही खूबसूरत है और जो मन्हा को बहुत अच्छा लगा। हर बच्चे को मेरे ख्याल से स्केटिंग करना बहुत पसंद है और जब आइस स्केटिंग करेंगे पता नहीं वो कैसा होगा, थोड़ा तो रिस्की है लेकिन बहुत सेफ्टी के साथ आइस स्केटिंग कराया जाता है। वहाँ पे टीचर्स भी रहते हैं, गाइड करते रहते हैं और जो बच्चा पूरी तरह से स्केटिंग अच्छी तरह से नहीं कर सकता तो उसके लिए भी बहुत अच्छा आपके पास से एक व्हील जैसा होता है जिस पर बच्चे मूव कर सकते हैं। तो हर चीज़ का बहुत अच्छा इंतज़ाम है और जिसको
आता है स्केटिंग करने तो वो तो ऐसा लगता है कि बस डांस ही कर रहे हैं, आइस के नीचे डांस कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है देखने में। अब हम लोग दुबई फाउंटेन देखने के लिए जा रहे हैं, वहां से हम बुर्ज खलीफा का भी व्यू देखेंगे। यहाँ पर एक तरह का लिफ्ट है जैसे बना हुआ है, जो अच्छा भी लगता है, थोड़ा सा स्कैरी भी है, बच्चे भी स्कैरी कह रहे हैं, लेकिन बहुत मज़ा आता है इस लिफ्ट से बाहर जाने में, बुर्ज खलीफा या द फाउंटेन, द दुबई फाउंटेन देखने के लिए जब जाते हैं तो इस लिफ्ट में बच्चों को बहुत मज़ा आता है, हमें भी बहुत मज़ा आया। हर चीज़ का अपना मज़ा है और एक्सपीरियंस लेना चाहिए। और जो द दुबई फाउंटेन, उसे तो मैं सोल म्यूज़िक कहूँगी, डांसिंग म्यूज़िक कहूँगी, डांसिंग फाउंटेन कहूँगी, क्या कहूँगी, मैं तो बिल्कुल मन मुक्त हो गई द दुबई फाउंटेन को देखकर जब ये नज़ारा शुरू हुआ। इसके लिए इंतज़ार करना पड़ता है बहुत से, हम लोग काफ़ी देर इंतज़ार किए और जब ये नज़ारा हमारे सामने आया तो नज़रें तो एक मिनट के लिए भी हटी नहीं। द दुबई फाउंटेन को देखकर बस ऐसा लगा कि यहीं पर खड़ी रहूं और बस इस नज़ारे को देखती रहूं। ये डांसिंग फाउंटेन सोल म्यूज़िक देखते हुए एक सेकंड के लिए भी आंखें ब्लिंक नहीं हुई मेरी, बस मज़ा आ गया। आप भी जब भी आए द दुबई फाउंटेन का मज़ा ज़रूर लें, एक अलग सा एक्सपीरियंस है, बहुत मज़ा आता है। यहाँ पर से आप बुर्ज खलीफा का भी व्यू देख रहे हैं, मैं बार बार दिखा रही हूँ यहाँ की लाइटिंग, और जब म्यूज़िक चलता है, सॉन्ग चलता है तो एक अलग सा नज़ारा होता है और वो बस आप महसूस कर सकते हैं उस पल को, एक पता नहीं मैं कहाँ हूँ, किस दुनिया में हूँ, बहुत अच्छा लगता है देखने में। और सब कुछ इतने अच्छे से अरेंज किया गया है, वो कश्ती जब वे हो चलती है तो वो नज़ारा देखने का एक अलग ही मज़ा है। तो ये सब कुछ द दुबई मॉल में है। बस अपने फ्रेंड से यही कहना चाहूँगी कि हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब इतना ब्यूटीफुल नज़ारा देखने के बाद भूख तो लगनी लाजमी है। अब हम लोग रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि यहाँ पर एक से बढ़कर एक रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन हम लोगों ने अपना क़याम किया अलबैक में, जो सऊदी का फास्ट फूड रेस्टोरेंट है। इसका हेड क्वार्टर जद्दा में है। इनके यहाँ ब्रॉस्टेड और फ्राइड चिकन बहुत ज़बरदस्त है, सच में खाकर मज़ा आ गया, बहुत ही लजीज है। आप सब से यही कहूँगी कि जब भी आप आएँ तो अलबैक का फ्राइड चिकन ज़रूर टेस्ट करें, और बहुत ही कम रीज़नेबल प्राइस है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ी ख़ासियत है कि आपको के पॉकेट को भी वो देखेगा कि आपकी फैमिली अगर ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं, तो आपको रीज़नेबल प्राइस में पेट भर कर अगर खाना मिलता है तो क्या बात है, और टेस्ट भी जहाँ बहुत अच्छा मिलता है, तो ज़रूर ट्राई करें। अलबैक के रेस्टोरेंट लगभग 80 कंट्रीज़ में हैं, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके खाने की जो बात मैं कह रही हूँ, क्या लजीज खाना है, जो हमें बहुत अच्छा लगा। द दुबई मॉल की तो सैर मैंने करा दी, मैं बस से जहाँ जहाँ जाऊँगी आपको वहाँ वहाँ का व्यू दिखाऊँगी, वहाँ वहाँ की सैर कराऊँगी, लेकिन अपने फ्रेंड से बस यही कहना चाहूँगी कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं तो इसे ज़रूर थम्स अप दें, और वो बेल आइकन में एक घंटी नज़र आ रहा है तो उस पर ज़रूर क्लिक करें। इंशाल्लाह फिर कहीं ना कहीं मुलाकात होगी, कहीं कोई ना कोई नई जगह में हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि दुआओं में याद रखिएगा और मुझे इसी तरह से खूब सारा प्यार दीजिए। अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।